गुड मॉर्निंग, मैं रितेश कुमार, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज माधवपुर सुस्ता। आज आप लोग को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई कराएंगे, जिसमें पहले की कक्षा में इस टॉपिक के बारे में बता दिए थे। इस टॉपिक का नाम है उपभोग, जिसमें अर्थ, महत्व एवं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता की जानकारी लेना है, जिसके अंतर्गत आप लोग को उपभोग का अर्थ महत्व बता चुके हैं। अब आगे का टॉपिक है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले इसके अर्थ को जानिए। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता अथवा प्रभु सत्ता का अर्थ। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता जानने से पहले उपभोक्ता की सार्वभौमिकता अथवा प्रभु सत्ता का अर्थ जानना जरूरी है। मानव की सभी आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग ही है। अतएव आर्थिक प्रक्रिया में उपभोग तथा उपभोक्ता का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था उपभोक्ताओं के उपभोग की मांग की पूर्ति को ध्यान में रखकर ही क्रियाशील रहती है। दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है, उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने या न खरीदने की इच्छा के द्वारा ही उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा एवं किस्म का निर्धारण करती है। अब यहाँ कह रहा है उपभोक्ता किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है तो वह खरीदने या बिकने की इच्छा के अनुसार उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा एवं किस्म, कितना मात्रा में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए जिससे उसको बेचने में कठिनाई न हो और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। अब यहाँ इसके अर्थ को जानने के बाद एक प्रश्न उठता है, किंतु उपभोक्ता की सार्वभौमिकता किसे कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आ गया है, इस उपभोक्ता की सार्वभौमिकता अथवा प्रभु सत्ता के अर्थ को जानने से एक प्रश्न आ गया है, किंतु उपभोक्ता की सार्वभौमिकता किसे कहते हैं। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता एवं प्रभु सत्ता का अर्थ है उपभोक्ता का साम्राज्य। कहा भी जाता है कि आधुनिक आर्थिक जगत में उपभोक्ता ही सार्वभौमिकता, उपभोक्ता ही सब कुछ है। संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था उपभोक्ताओं की इच्छा और उनकी पूर्ति के लिए कार्य करती है। उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है, चाहे वे वस्तुएं अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वे आवश्यक हो या आरामदायक या विलासिता संबंधी हो। इसी को उपभोक्ता की सार्वभौमिकता कहते हैं। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता किसे कहते हैं, तो इसके लिए अभी बताए हैं,
जिसकी मांग उपभोक्ता द्वारा की जाती है, चाहे वे वस्तुएं अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वे आवश्यक हो या आरामदायक हो या विलासिता संबंधी, इसी को उपभोक्ता की सार्वभौमिकता कहते हैं। वास्तव में उपभोक्ताओं की रुचि अथवा पसंदगी की अवहेलना पर ही वस्तुओं का विक्रय नहीं होगा, जिससे निर्माताओं को हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार उपभोक्ता संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सम्राट अथवा शासक होता है तथा सारी अर्थव्यवस्था उसी की इच्छा के अनुसार संचालित होती है। अब यहाँ है पूंजीवादी के अंतर्गत उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। अब आगे है टॉपिक, पूंजीवादी के पूंजीवाद के अंतर्गत उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। अब यहाँ आगे है पूंजीवाद के अंतर्गत उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट की तरह होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में सभी प्रकार के उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य उपभोक्ता तथा उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि ही है। बेहंस के शब्दों में पूंजीवाद में संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था अंतिम उपभोक्ताओं के हाथ विक्रय पर ही करती है। यहाँ बेनहम्स के शब्दों में पूंजीवाद में संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था अंतिम उपभोक्ता के हाथ विक्रय पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार पूंजीवाद के अंतर्गत उपभोक्ता को ही सर्वोच्च सत्ता प्राप्त रहती है, यानी उपभोक्ता ही सम्राट होता है। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं की मांग की वस्तुएं तैयार करना होता है। संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था उपभोक्ताओं तथा वस्तुएं पहुंचाने में ही व्यस्त रहती है। पूंजीवादी में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी उपभोक्ता मांग करते हैं। बेनहम के अनुसार किसी वस्तु तथा कितना उत्पादन होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उपभोक्ताओं की चुनी हुई इच्छाएं या पसंद क्या है और वे किन किन रूपों में व्यक्त होती है। इनकी मांग ही वह प्रबल शक्ति है जिससे पूरी उत्पादन प्रणाली का नियंत्रण होता है। यद्यपि पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के ऊपर बाजार का अगोचर एवं शक्तिशाली नियंत्रण रहता है, फिर भी
पूंजीवादी उत्पादक अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता। पूंजीवादी अपने इच्छा अनुसार किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह अपने अनुसार किसी वस्तु का उत्पादन करता है और उसकी बाजार में मांग नहीं होती, वह वस्तु बिक नहीं पाएगा तो वहाँ उसका पूंजी डेड हो जाएगा और उसे लाभ कमाने के जगह हानि का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ है, इसकी मांग ही वह प्रबल शक्ति है जिससे पूरी उत्पादन प्रणाली का नियंत्रण होता है। यद्यपि पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के ऊपर बाजार का अगोचर एवं शक्तिशाली नियंत्रण रहता है, फिर भी पूंजीवाद अपनी इच्छा अनुसार किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता। वह केवल बाजार में बिकने वाली वस्तुएं का ही उत्पादन करता है। इस प्रकार पूंजीवाद में उत्पादन की न केवल किस्म व मात्रा भी उपभोक्ता की मांग के द्वारा ही निश्चित होती है। मांग की इसी अदृश्य शक्ति की क्रियाशीलता के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ के लिए उत्पादन, स्वतः उपभोग के लिए उत्पादन में बदल जाता है। अब यहाँ है, प्रोफेसर रॉबर्टसन के अनुसार, प्रोफेसर रॉबर्टसन प्रोफेसर रॉबर्टसन के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता ही सम्राट है और उसकी सेवा करने के लिए उद्योग का सबसे प्रबल सेनापति ही आवश्यक ही सदैव तैयार रहेगा। रॉबर्टसन कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता ही सम्राट है और उसकी सेवा करने के लिए उद्योग का सबसे प्रबल सेनापति ही अवश्य ही सदैव तैयार रहेगा। इसी प्रकार किकोफर उपभोक्ता की तुलना एक मतदाता से करते हैं। जिस प्रकार लोकतंत्रीय व्यवस्था में जनता जनमत के द्वारा शासन को नियंत्रित करती है, उसी प्रकार उपभोक्ता भी अपने द्रव्य रूपी वोटों से की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा तथा प्रकार का नियंत्रण रखता है। यदि उपभोक्ता अपने द्रव्य को आवश्यक अच्छी तथा सुंदर वस्तुओं की जगह विलासिता की वस्तुओं पर व्यय करते हैं तो उत्पादक ऐसी ही वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। इस प्रकार उपभोक्ता का चुनाव, चाहे वह समझदारी पूर्ण हो या मूर्खतापूर्ण, संपूर्ण औद्योगिक प्रणाली को नियंत्रित करता है। किंतु व्यवहार में उपभोक्ता अधिकतर फुटकर व्यापारियों से वस्तुएं क्रय करते हैं, अतः ये लोग ही वस्तुओं की इच्छाओं में वास्तविक रूप में परिचित रहते हैं। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं की
इच्छाओं से थोक व्यापारियों को अवगत कराते हैं तथा ये वास्तविक रूप में परिचित रहते हैं। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं की इच्छाओं से थोक व्यापारी को अवगत कराते हैं तथा ये थोक व्यापारी उत्पादकों से इसी के आधार पर वस्तुओं की मांग करते हैं। इस प्रकार इसी क्रम में उत्पादक उपभोक्ताओं की इच्छाओं को जानते हैं, लेकिन वास्तव में उत्पादक उपभोक्ताओं की अपेक्षित मांग पर ही वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यदि उत्पादकों को अनुमान सच्चा निकाल तो उन्हें पूरा मुनाफा प्राप्त होता है, लेकिन यदि ठीक नहीं निकलता तो उन्हें अधिक हानि उठाने की संभावना रहती है। अतः उत्पादन अपेक्षित मांग द्वारा ही होता है। इस दृष्टि से उपभोक्ता की अभिरुचि, स्वाद या पसंदगी ही पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन की मात्रा एवं किस्म को निर्धारित करते हैं। वास्तव में प्रोफेसर वेनहम का कहना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र द्वारा प्रतिबिंबित या उपभोक्ता की पसंदगी या चयन ही उत्पादन के स्वरूप इसकी मात्रा को निर्धारित करता है। अब इसके बाद है वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति इसमें है, लेकिन वास्तव में पूंजीवाद के अंतर्गत उपभोक्ता अपनी इस सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाता। उपभोक्ता ही सर्वोच्च सत्ता केवल एक सैद्धांतिक तथ्य की तरह है और व्यवहार में कुछ दूसरा ही होता है। पूंजीवाद में उत्पादन उपभोक्ताओं की मांग के अनुमान पर किया जाता है, किंतु उत्पादन पर उपभोक्ता के इस प्रत्यक्ष नियंत्रण को उपभोक्ता का शासन नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत वास्तविक यह है कि पूंजीवाद में उपभोक्ता अत्यंत दुर्बल होता है। वह अधिक से अधिक अपनी संपत्ति दे सकता है, शासन करने या आज्ञा देने की स्थिति में नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुतः पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली की तरह रहता है तथा वास्तव में उत्पादक बहुधा उपभोक्ताओं को सर्वोच्च स्थान नहीं देते। अतः इस संबंध में कहा जा सकता है कि उपभोक्ता इतना निरंकुश सम्राट नहीं होता जितना कि वह समझा जाता है। अधिक से अधिक वह एक वैज्ञानिक सम्राट की तरह होता है जो राज्य को राज्य तो करता है परंतु शासन नहीं। यह उपभोक्ता के सार्वभौमिकता के अंतर्गत ये सब आते हैं, जिसको आप लोग को अभी तक ये बताएं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, इसमें पूंजीवाद के अंतर्गत उपभोक्ता की सार्वभौमिकता क्या है, ये वेनहम है। प्रोफेसर रॉबर्टसन के अनुसार भी इसकी जानकारी दे दिए और वास्तविक स्थिति जो लास्ट में आया इसकी जानकारी दे चुके हैं।
अब अगले दिन उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पर प्रतिबंधित या बाधाएं, इसमें जो भी प्रतिबंधित और बाधाएं आती है वह अगले क्लास में बताया जाएगा।